रीवा से कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। सिरमौर प्रत्याशी राम गरीब वनवासी और त्योंथर प्रत्याशी रमा शंकर पटेल ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया है। दोनों ही कांग्रेस की टिकट से चुनावी मैदान में हैं। दोनों लोगों का कहना है कि जीत के साथ ही प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़ेंगे। राम गरीब वनवासी पहले बहुजन समाज पार्टी में से थे और बीएसपी से एक बार त्योंथर विधायक भी रह चुके हैं। 2018 के चुनाव के बाद इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। 2023 के चुनाव में प्रमुख दावेदार और कांग्रेस के भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया गया है। सिरमौर में भाजपा से विधायक दिव्यराज सिंह की चुनावी मैदान में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राम गरीब वनवासी के रूप में कांग्रेस ने जो दाव खेला है वो कितना सही होगा। वही बात करें रमा शंकर पटेल की तो उन्हें कांग्रेस ने त्योंथर से टिकट दिया है। पिछली बार भी कांग्रेस से प्रत्याशी थे और कम अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है, जो कि 3 दिसंबर से नतीजे आने के बाद यह पता चलेगा कि हारे हुए प्रत्याशी को फिर से मौका देना कितना सही होगा। वही कांग्रेस से टिकट की चाय रखने वाले सिद्धार्थ तिवारी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और त्योंथर प्रत्याशी तौर के रूप में रमा शंकर पटेल के आमने सामने होंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि त्योंथर में कमल खिले या फिर पंजा की हुकूमत चलेगी। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद भैया। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फिर से, और मुद्दे तो बहुत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग मैदान में हैं, डटे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास किया है मुझ पर, उस विश्वास पर हम अपनी टीम के साथ खड़े उतरेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। बात पुरानी हो गई है, अब मेन मुद्दा है स्थानीय और बाहरी का। सिद्धार्थ तिवारी जी को जनता ही जवाब देगी, और वहाँ लड़ाई भाजपा से हमारी नहीं है, वहाँ लड़ाई हमारी विचारधारा की है, नीत और नियत की है। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को, जो भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस उनको परास्त करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। कांग्रेस या भाजपा की बात करें तो दोनों ही दल इस समय इस्तीफों और दल बदल का दौर जारी है, कितना असर पड़ेगा चुनाव? ये लोकतंत्र में सुधार की प्रक्रिया चलती है जो इस देश के अंदर लगातार चल रही है, खासतौर से जब से भाजपा आई है इस देश के अंदर, केंद्र में और राज्य में सरकार में आई है, तब से ये दौर कुछ ज़्यादा शुरू हो गया है इस तरीके से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय में सब चीज़ें सही हो जाएंगी, और लोग जो ये दुस्साहस करते हैं, ये ऐसा क्रम इसमें विराम लगेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। जैसा मैंने कहा कि त्योंथर क्षेत्र जो है तराई अंचल है, रीवा जिले का सबसे कृषि प्रधान द्वीप, कृषि के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर दूध उत्पादन होता है जिले का, लेकिन वहाँ अवसर नहीं मिला, न तो नौजवानों को मिला, न किसानों को मिला, न मजदूरों के उनके वास्तविक श्रम का मूल्य मिलता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप जीतते हैं और प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास होगा कि जो हमारे यहाँ जीवनदानी योजना है मिनी बाढ़ सागर, जिसको त्योंथर फ्लो कहते हैं, पिछले 12 साल से वो योजना चल रही, लंबित है, अभी भी पानी अब छोड़ा जाता है तो नहरें फूट जाती हैं। मेरा पहला प्रयास होगा किसानों को पानी मिले, और ये जो बाढ़ सागर का पानी है, किसानों हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में पानी यह पहुँचे। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर हमारा प्रयास होगा कि जो 100 बिस्तर का अस्पताल पिछले 25 साल से लंबित है, उसको पहली प्राथमिकता होगी बनवाने के लिए। और तीसरा होगा कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनके समुचित शिक्षा की व्यवस्था, बालिका जो हमारे हैं उनके लिए महाविद्यालय की व्यवस्था, उनके लिए हर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था जनसंख्या के अनुसार, और 100 बिस्तर अस्पताल जो था पहले से मंजूर था, उसको आने वाले समय में 100 बिस्तर से ज़्यादा मापदंड, जो जनसंख्या के हिसाब जो चीज़ फिट बैठेंगी, उसको बनवाने का हमारा प्रयास होगा। बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, ऐरा प्रथा निश्चित तौर पर बड़ी समस्या, हमारे कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने की सरकार में अपनी नीयत का परिचय उन्होंने दिया था। गौशालों का निर्माण कराया, सरकार जैसे हमारी गिरा दी गई तो गौशालों का निर्माण का सब बंद हो गया। आज भी आप जाएंगे देखेंगे तो जो भी गौएं हैं गौशाला के अंदर मरी पड़ी हैं या मरने की कगार में, तो उसके लिए जानवर हैं, जीव हैं, और उन पर हम सबको दया करनी चाहिए। हमारा पशुधन है जैसा हम सब लोग कहते हैं, उनके समुचित रहने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था, ये हमारा प्रयास होगा उनका जीवन संरक्षित करते हुए। वो हमारे जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, इसमें उस वो भी हमारी प्रायोरिटी होगा। जैसा कमलनाथ जी ने कहा है, आप लोगों को जानकारी में होगा
कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात उन्होंने कही है। तो जब हमारे लिए वो एक तरीके से धन हो जाएगा और हम उसके संरक्षण के लिए हमको जरूरत भी है तो बेहतर काम सरकार हमारी करेगी, हम ऐसा प्रयास करेंगे। दूसरी बार आपका चुनाव है, नहीं पहुंच पाए इन 5 सालों में, मैंने काफ़ी प्रयास किया है और जन जन तक मैं पहुंचा हूं और जो समस्याएं थी समय समय पर हमने आंदोलन प्रदर्शन धरना देकर उन समस्याओं को हम लोगों ने उठाया है। कोविड जैसी महामारी में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है, जो सहयोग बन पड़ा हम लोगों ने किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से जनता तो जनता हम लोगों को इस बार मौका देगी, हम ऐसा विश्वास करते हैं। जलाक्रोश का असर बहुत बड़ा है, आप लोगों ने कवर किया है, देखा है विंध्य में और ख़ासतौर से रीवा ज़िले में, तो जनता सड़कों पर थी और हर जगह जनता ने उस मुद्दे भाजपा के कुशासन का विरोध किया है, जो परिणाम के रूप में परिवर्तित होगा आने वाली 3 दिसंबर को। रीवा रियासत के महाराजा से आपका मुकाबला, किस तरह की रणनीति है और कितना वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा? देखिए, रीवा रियासत के विरोध में मेरे को नहीं लड़ाया गया है, मेरे को तो बिंद में बीजेपी के विचारधारा के विरोध में उसको ख़त्म करने के लिए लड़ाया गया है। और जब पार्टी के द्वारा सर्वे किया जा रहा था कौन जिताऊ कैंडिडेट है, तो बहुत से सारे जिताऊ कैंडिडेटों का हर दल से लोग आए, नाम आया, लेकिन बिंद में मेरा नाम एक ऐसा आया कि राम गरीब वनवासी को अगर कांग्रेस के सिरमौर विधानसभा से टिकट दे दिया जाए तो सारे बिंद की सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। इसलिए मेरा जो सर्वे हुआ है तो मेरा सर्वे इसलिए नहीं हुआ है आप लोगों जैसे जनता की आवाज़ के कारण, जनता की आवाज़ के सर्वे के आधार पर मुझे सिरमौर विधानसभा से, तो मैं जिस दिन टिकट जीती मिली थी उसी दिन कमलनाथ ने कहा कि क्या आप जीतेंगे, हमने कहा मैं तो जिस दिन टिकट फाइनल हो गई उसी दिन जीत गया और रह गया बिंद जिताना, तो मैं सारे बिंद के कांग्रेस की सीटों को जिताऊंगा और इस प्रकार से सीट की बढ़त बनाऊंगा कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी के लोग जब कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार बन जाती है, लोकतंत्र की जनता इनको नकार देती है, तो फिर लोकतंत्र का पालन नहीं करते, उस सरकार को जनता की सरकार को नहीं मानते, ये विधायक चुराते हैं। इस बार इतना ज़्यादा विधायक बनाएंगे हम बिंद से कि अगर बीजेपी के लोग विधायक चुराएंगे भी या तो इतने बड़े विधायक होंगे विचारधारक के कि वो चोरी में उठेंगे नहीं, अगर उठा भी ले जाते हैं 2-4 तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।